आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर ली है आपने। यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो बनानी सीखी होगी, तो आज मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ने कंट्रोल एन ले लेना है। पेज का साइज हमारा 6x4 रहेगा, देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने क्रॉप टूल लेना है। क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ पे हमने जो साइज रखना है, अगर आपको बॉर्डर लगानी है तो आप 1.3 और 1.7 लेंगे, अगर आपको बॉर्डर नहीं लगानी है तो 1.4 1.8 इंच का साइज लेंगे। रेजोल्यूशन हमारी 300 लगी, तो मुझे बॉर्डर लगानी है तो मैंने 1.3 और 1.7 का साइज ले लिया है। रेजोल्यूशन मैंने 300 रख दिया है। देन मैंने क्रॉप टूल ले लिया और जितनी मुझे फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है उतनी फ़ोटो लेने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। देन मूव टूल लेके इसे यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जाना है और यहाँ से स्ट्रोक की कमांड को यूज़ कर लेना है। आपके पास ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपने बॉर्डर जो है 5 की रखनी है। कलर आपने अपनी चॉइस का रख लेना, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। देन ओके कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर लग चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है और इसे यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने के बाद कंट्रोल ई कर लेंगे अगेन, फिर इसे कॉपी कर लेंगे अल्ट प्रेस करके। अगर फोटो ऊपर नीचे हो जाए तो एरो की से आप इसे बराबर कर लेंगे। देन अगेन लॉक करेंगे कंट्रोल ई से, अल्ट प्रेस करके इसे कॉपी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन गई है। 1 से 1.5 मिनट में आप ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।